यह पाकिस्तान का नंबर वन चर्चा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा सती। आज मैं मौजूद हूं नाज़रीन पेशावर में, फूलों का शहर। इस्लामाबाद के कामयाब सक्सेसफुल इवेंट के बाद अब असद रफ़ी ट्रेनिंग सेशन हो रहा है पेशावर में, आपके शहर में। ये बताते चलेंगे जी, पेशावर जो है ना वो फूलों का शहर तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो क्राउड है ना वो इतना खुश अखलाक और इतना ज़िंदा दिल है कि ये रिस्पॉन्स जो हमें यहाँ पर आज मिला है ना, वो ऐसा रिस्पॉन्स हमें किसी भी सिटी में नहीं मिल सका। बहुत ही ज़्यादा जो है पुरतबाक हमारा इस्तकबाल किया गया है। यहाँ पर मौजूद हैं लोग, बिज़नेस कंसल्टेंसी के लिए मौजूद हैं, ट्रेनिंग देने के लिए असद रफ़ी साहब मौजूद हैं, और इस्लामाबाद में जो ट्रेनिंग दी थी उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए हमने सोचा कि हम पेशावर में भी आते हैं और पेशावर के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और इनका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। मगर बहुत ही ज़्यादा पुरतबाक इस्तकबाल किया है इन्होंने, और चलते हैं यहाँ पर लोगों से जानते हैं। यहाँ पे खासी जो है वो बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं। हमारे आज के स्पॉन्सर जो हैं वो मलिक रियल स्टेट एंड बिल्डर्स हैं, और इसके अलावा हमें स्पॉन्सर किया है कौन हेड वालों ने, और इसके साथ साथ चाय खाना पेशावर ने भी हमें स्पॉन्सर किया है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ताज मोहम्मद खान साहब, हाज़र खानी के नाज़िम हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पर कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर ये बताइएगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप यहाँ पर आए, आपने शिरकत की, अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, कैसा लगा आपको ट्रेनिंग अटेंड करके असद रफ़ी साहब की? जी असद रफ़ी साहब बहुत अच्छा बंदा है, उसके अखलाक भी बहुत अच्छे हैं, और वो जो लेक्चर दे रहे हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, और असद रफ़ी साहब जो लोगों को पैगाम दे रहे हैं वो पैगाम अगर कोई उस पर अमल करे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी ज़िंदगी बनती है। और सदर फी साहब की ज़िंदगी बहुत अजीब कहानी है। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे से मौजूद हैं साइमा, जो कि बिज़नेस डेवलपमेंट के शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, यहाँ के मैनेजर हैं मलिक रियल स्टेट बिल्डर्स की, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइमा ये बताइएगा कि आज आपने ट्रेनिंग अटेंड की, कुछ इस बारे में से बताइए और कुछ इस हवाले से बताइए कि आप मलिक रियल स्टेट में क्या कर रही हैं? जी आई बिलोंग्स टू मलिक रियल इस्टेट, आई एम बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर देयर, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द ओवरसीज प्रोजेक्ट, एंड आई एम हेयर टू गेट सम न्यू आइडियाज़ फ्रॉम मिस्टर असद रफ़ीस ट्रेनिंग। सो अच्छा था, प्रोडक्टिव था, आई लर्न अ लॉट। बेसिकली वी आर हेयर इन पेशावर especially for ke Malik Real Estate ko came all along from Islamabad to attend this seminar. अच्छा, कैसा महसूस करिए, क्या आप लोगों ने लर्न किया आज? यानी एक होता है ना कि लाइक टिपिकल आप वर्कशॉप्स में जाते हैं, आप वहाँ पे क्वेश्चनर फिल करते हैं जी, क्वेश्चंस के जवाब दे देते हैं, बट टुडे आपने क्या सीखा यहाँ पे? असद रफ़ी साहब से तो हमारा पुराना भी कुछ है रिलेशन, लेकिन टू बी हेयर आई वॉन्ट टू से दैट वॉज प्रोडक्टिव, दैट वॉज रियली अमेजिंग। न्यू आइडियाज़ थे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के लिए एंड बिजनेस की ग्रूमिंग के लिए, सो दैट वॉज नाइस। असद रफ़ी का सेशन बहुत अच्छा था, उन्होंने हमें काफ़ी टेक्निकल बातें बताई हैं, और वो पेशावर में फ़र्स्ट टाइम आए हैं, और उनको और भी सेशन यहाँ पे करने चाहिए कि हमें और सीखने को उनसे मौका मिले, और हम काफ़ी खुश हैं कि वो आए और हमें उन्होंने बताया कि कैसे अपने गोल अचीव करने हैं, और वी एंजॉयड अ लॉट। जी व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं मलिक खुर्रम शहजाद, सीईओ हैं मलिक रियल स्टेट एंड बिल्डर्स के, और आज के हमारे इस ट्रेनिंग सेशन के स्पॉन्सर भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप? जी अल्लाह के शुक्र खैर खैरियत। अच्छा सर, आपने आज ये ट्रेनिंग सेशन जो है स्पॉन्सर किया है, और आप बहुत ही रिलायबल क्लाइंट भी हैं असद रफ़ी साहब के, ये बताइएगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं आज की ट्रेनिंग में? मैं इस ट्रेनिंग को अटेंड करके बहुत खुश हूँ, और इन्वायरमेंट देख के, हर कम्युनिटी का यहाँ पे बंदा बैठा था और प्रोजेक्ट में वो इंटरेस्ट भी ले रहे थे, एक और अच्छा असद साहब ने स्टार्ट किया है, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट और सिटी में भी ये स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें इसमें ये कि कम्युनिटी गेट टुगेदर हो जाता है, इकट्ठे बैठ जाते हैं, वहाँ बैठ के डिफरेंट बिजनेस डिस्कस हो जाते हैं, हर कोई एक दूसरे के साथ कनेक्ट में हो जाता है, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि नेक्स्ट भी इससे बेहतर होगा। अच्छा ये बताइएगा कि आपका जो ये रियल स्टेट का बिज़नेस है, व्हाट इज़ इट अबाउट, आप व्यूअर्स को कुछ बताएं? हम एक्चुअली आजकल कह रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के हम अथराइज डीलर हैं, बीजीसी ग्रुप है, ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज ब्लू वर्ड सिटी के नाम से,
आजकल आ रहा है मोटरवे चक्री इंटरचेंज के ऊपर प्रोजेक्ट है, और इसमें अब दो आगे ब्लू हिल्स कंट्री फार्म है उसकी हम कर रहे हैं, और दूसरा इसके अंदर स्पेसिफिक ओवरसीज़ कम्यूनिटी के लिए उन्होंने स्टार्ट किया है ओवरसीज़ ब्लॉक के नाम से, तो उसकी हम प्री लॉन्चिंग रेट्स के ऊपर कह रहे हैं बुकिंग स्टार्ट की हुई है, और इसकी भी इंशाल्लाह लॉन्चिंग जो विद इन 3 मंथ्स साइड के ऊपर काम जारी है, और इसके साथ इनके साथ चाइनीज़ कोऑपरेशन में है, और अच्छा मतलब इस टाइम अगर उस हिसाब से देखें रिंग रोड या मोटरवे की एक्सेस या उस हिसाब से, तो आने वाले 2 सालों में या 3 सालों में इंशाल्लाह पिंडी का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर असद रफ़ी साहब के बारे में कुछ कहना चाहें, 2-4 वर्ड्स आपके। असद रफ़ी साहब भाई हैं, भाइयों की तरह हम चल रहे हैं, काफ़ी सपोर्ट्स है उनकी मेरे साथ इस बिज़नेस में, उनकी सपोर्ट आई है तो मैं थोड़ा सा बढ़ के आगे इसको मेच्योर होके चला रहा हूँ, तो मिल के हम चला रहे हैं। असद रफ़ी साहब में एक मैंने चीज़ देखी है कि वो चीज़ को वेल डिज़ाइन कर लेते हैं, वेल प्लान कर लेते हैं, और उनकी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे मुझे सीखने को मिला है, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट भी उनसे बहुत कुछ, स्पेशली उनसे और उनकी जितनी सारी टीम है, सारी टीम उनके साथ वन यूनिटी में है, सब जो जिस हिसाब से जिसकी कैपेसिटी है वो उसमें अपनी एफर्ट शो करता है, तो असद रफ़ी साहब दी बेस्ट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी व्यूअर्स, सर मेरे से मौजूद हैं शहजाद बशीर साहब, आज के ट्रेनिंग सेशन के पार्टिसिपेंट से बात करते हैं। सामी को वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि आज आपने ट्रेनिंग अटेंड की है, क्या आपने मतलब आपके क्या तासुरात हैं आज की ट्रेनिंग के हवाले से? इट वॉज रियली फैबुलस एंड ऑसम ट्रेनिंग। असद रफ़ी साहब ने तो हमारा जो है जहन खोल दिया, ख़ास तौर पर जब उन्होंने बताया कि ओबीडियंस इज़ द की टू सक्सेस, और हम समझ रहे थे कि हार्ड वर्किंग, यू नो वर्किंग हार्ड, हार्ड वर्क इज़ दी की टू सक्सेस, लेकिन उन्होंने बताया कि ओबीडियंस जो है ये की है सक्सेस के लिए। उनके जो पर्सनल टेस्टमनी है उससे हमने बहुत ज़्यादा हमारी जो है इनरिचमेंट हुई है, और हमने सीखा, और जो मार्केटिंग के उन्होंने प्रिंसिपल्स बताए हैं, जो स्ट्रेटजीज बताई हैं, और जो उन्होंने जिस तरीके से इस सारे प्रोग्राम को लीड किया है, इससे हमारे बहुत सारे मार्केटिंग के फ्लॉज थे। हम बेसिकली एक चैरिटेबल इदारा है, अब्दुल समद मेमोरियल ट्रस्ट, उससे हमारा ताल्लुक है। मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ, मैडम नाइला उसमें एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हम 2 इदारे चला रहे हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड है और एक एजुकेशन, हेल्थ पे और एजुकेशन पे दोनों पे काम कर रहे हैं। हेल्थ साइड जो है हमारा टोटली पुअर पेशेंट्स के लिए है, जिसमें हम पुअर पेशेंट्स की फ्री ट्रीटमेंट के साथ अलॉन्ग विद मेडिकेशन हम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो दूसरा है हमारा खैबर स्कूल सिस्टम, उसमें हमारे पास तकरीबन 108 ऑर्फन बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इसमें हम फ्री बुक्स भी दे रहे हैं इनको, और बुक्स के साथ उनकी यूनिफॉर्म, शूज़, इवन की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी हम इनकी पूरी कर रहे हैं। हाँ जी, तो अभी यहाँ पे हमने काफ़ी सीखा कि हमने आगे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्रमोट करना है, तो काफ़ी खुशी हुई यहाँ पे, ये सारा माहौल देख के काफ़ी अच्छा लगा हमें। तो आज की ट्रेनिंग में आपको डिफरेंट क्या लगा? मतलब ऑब्वियसली आप जिस इदारे से बिलोंग करते हैं, ट्रेनिंग्स तो आप लोग लेते ही रहते होंगे, दैट्स लाइक आजकल तो ट्रेनिंग्स कॉमन है, बट इस ट्रेनिंग में, इस ट्रेनिंग सेशन और वर्कशॉप में आपने क्या मतलब डिफरेंस देखा? इस ट्रेनिंग के हवाले से पर्सनली मैंने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से देखा वो ये कि बहुत लाइवली थी, पार्टिसिपेटरी थी, और हमारी जो गैप एरिया से उसको बिल्कुल उसने बहुत अच्छे तरीके से फुलफ़िल किया है। हमारी जो मार्केटिंग की वीकनेसेस हैं वो हमने सीखी कि हम इसको क्या कैसे मज़ीद सक्सेसफुल बना सकते हैं, और हमने जो कुछ सीखा है हम उसको जाकर इंप्लीमेंट करेंगे अपनी मार्केटिंग टीम के साथ बैठ के, और हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमने आपकी दूसरी मार्केटिंग टीम से भी मिले हैं, डिफरेंट लोगों से मिले हैं, असद साहब से मिले हैं और फातिमा हैं उनसे असद साहब ने मिलवाया, हम चाहते हैं कि आप लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो फर्म है असद रफ़ी फर्म जो है, हम यतीम बच्चों को स्पॉन्सरशिप पे, चाइल्ड स्पॉन्सरशिप पे प्रोग्राम चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, हमें एक चाइल्ड स्पॉन्सरशिप का ऐप बना के दिया जाए, और हम चाहते हैं कि एक वेबसाइट बनाएं। हमने ये भी सीखा कि वेबसाइट इज़ गेटवे टू बिज़नेस। हमारे पास वेबसाइट है लेकिन वो स्टैटिक है, वो डायनामिक नहीं है। हम चाह रहे हैं कि इसकी एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट हो, और उसमें दोनों पेजेस हों, हमारे खैबर स्कूल सिस्टम का भी पेज हो,
और हमारा जो अब्दुल समद मेडिकल सेंटर है उसका भी पेज हो, उसकी सारी एक्टिविटीज़ उस पर हाईलाइट हो रही हूँ, लोग आएँ उसको विज़िट करें, बूस्ट हो और लाइक्स मिलें उसको, वो शेयर हो, इस तरीके से ये जो खैरुन्नास का काम है ये बढ़े आगे। और हम चाहते हैं कि ये तीन बच्चे जो हैं वो बढ़े। हमारे खान साहब आसिफ खान साहब की विज़न ये है कि ईच वन टीच वन प्रोग्राम, हमारे खान साहब चाहते हैं कि अगर हम में से हर एक शख्स पाकिस्तान में कम से कम एक बच्चे को पढ़ा ले, एक बच्चे की जिम्मेदारी ले ले, तो हम मुआशरा जो है ट्रेट नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू जी। व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हबीबुर रहमान साहब जो कि आज की ट्रेनिंग सेशन के पार्टिसिपेंट हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि आज आपने ये ट्रेनिंग ली है, क्या कुछ आपने यहाँ पर लर्न किया है, क्या आपको ट्रेनिंग, आप वैसे भी ट्रेनिंग सेशंस आई गेस लेते ही रहे होंगे, तो क्या कुछ मुख्तलिफ लगा आपको? पहली बार मुझे मार्केटिंग के बारे में कुछ अच्छा सेमिनार करने को मिला है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ और इनसे अवेयरनेस में इजाफा होगा तो कारोबार बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा तो खुशहाली आएगी और यही सब कुछ अचीवमेंट है। सर जैसे कि आपने ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, इसमें आपको मुख्तलिफ क्या लगा, यानी सर जो स्पीच दे रहे थे या आप जिस तरीके से वो बता रहे थे उसमें आपको क्या डिफरेंट लगा? क्योंकि अक्सर होता है जी आप ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करते हैं, लिखते हैं, क्वेश्चनर्स फिल करते हैं और बस आ जाते हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ वाली बात नहीं होती, तो आपने यहाँ पर क्या सीखा? उसमें सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी वो 45 डेज की प्लानिंग का जो टूल्स थी उसने जो डिस्कस की वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि लोग सालों तक और करोड़ों अरबों रुपए की बिज़नेस करते हैं और उतने ही मार्केटिंग पे बीज लगाते हैं, तो एक छोटे से अमाउंट से जो कि एक रेशो कुछ भी हो सकता है, 100 रुपये के बाद 5 रुपये रेशो भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो असल चीज़ वो छोटी सी रेशो से किसी बड़ी बिज़नेस को एक बड़े टारगेट तक पहुंचाना है, वो एक बहुत बड़ी बात थी और ये मुझे अच्छी लगी। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कौन हेड जिन्होंने आज का इवेंट स्पॉन्सर किया है, इनसे बात करते हैं और इनके तासरात जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। पहले ये बताइएगा सबसे पहले कि आपको ट्रेनिंग आपने अटेंड भी की, आप स्पॉन्सर भी हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं इस इवेंट का हिस्सा बना और मैंने यहाँ पे मतलब आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी असद रफ़ी के साथ मिले और उन्होंने जो हमें गाइड किया, जो हमें मतलब हाउ टू बिज़नेस के बारे में उन्हें हमें बताया, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें उसने एक्सप्लेन किया और हम मतलब बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत ही अच्छा इवेंट था और हमने बहुत अच्छी तरीके से मतलब इंजॉय कर लिया। अच्छा ये बताइएगा कि आपका जो ये है कोन हेड, इसके जो बर्गर्स हैं मैंने ट्राई किए, दे वेरी यमी, और क्या क्या है आपके पास? इस तरह है कि मतलब हमारी जो स्पेशलिटी है वो तो बर्गर, ग्रिल बर्गर और फ्राइज़ है ना, तो इंशाल्लाह आपने ज़रूर ट्राई किए होंगे भी और आप जब भी आएंगी तो मतलब आप ट्राई करेंगी, लेकिन स्पेशलिटी जो हमारी वो ग्रिल बर्गर और फ्राइज़ है, तो मतलब फ्राइज़ वगैरह इस तरह है कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, किसी रेस्टोरेंट पे भी नहीं, मतलब वो जो मिलेंगे जो क्वालिटी जो मतलब स्पेशलिटी है वो आपको सिर्फ कोन हेड में ही मिलेगी। आप लोग फ्रेश तैयार करते हैं? बिल्कुल फ्रेश, फूड हमारा सभी फ्रेश होता है। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत मज़े के बर्गर से आप लोगों के। थैंक यू। व्यूअर्स, इस वक्त मेरे से मौजूद हैं मुदस्सर मंजूर मलिक, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मलिक रियल स्टेट एंड बिल्डर्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए आज की ट्रेनिंग आपने अटेंड की, असद रफ़ी के आप वैसे भी क्लाइंट हैं, तो ये बताइएगा कि आज क्या डिफरेंट महसूस किया, क्योंकि जाहिर है डील होती है या बात होती है तो उसमें एक और वो होता है, यहाँ पर वो आज ट्रेनिंग दे रहे थे, तो आपने कैसे महसूस किया? मैडम बहुत अच्छा लगा, हम तो इनसे उधर इस्लामाबाद में भी 2-3 दफ़ा इनसे मिल चुके हैं, तो ये हमारे तो बड़े बेस्ट फ्रेंड भी हैं असद रफ़ी साहब, और इनका काफ़ी अच्छा लगा, बजट एरियाज़ में नए एरियाज़ में जाके ये अपना वो प्रोमोट कर रहे हैं और अपना वो सब कुछ लेके आ रहे हैं, तो ये चीज़ इनकी काफ़ी अच्छी है, नए नए आइडियाज़, नई नई टेक्नोलॉजीज़, तो ये चीज़ की काफ़ी जिन जिन बैकवर्ड एरियाज़ में या उनकी ज़रूरत है तो ये चीज़ होनी चाहिए, तो काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ जो है करके जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं असद रफ़ी साहब, आज की जो ट्रेनिंग सेशन है उसके ट्रेनर भी हैं और इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर हैं और माइक्रोनॉक्स के CEO, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सित्रा। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं?
बिल्कुल अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। सर ये बताइएगा कि आज के क्राउड में, पेशावर के क्राउड में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आई थिंक सर सिद्रा, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्स आया, और बहुत ही प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत ही एनर्जी वाले हैं, और ऑल्दो कि यहाँ पे प्रोफेशनल्स थे, बड़े थे, बिजनेसमैन थे, लेकिन सब की तरफ से इक्वल रिस्पॉन्स आया। और मैंने देखा कि खित्ते और इलाके रिस्पॉन्स और एक्टिविटी और इंथूजियाज़म को रिप्रेजेंट नहीं करते। जहाँ पर भी साथ की बात होगी, इनकरेजमेंट की बात होगी, तो आपको एक पाकिस्तानी से बहुत ही पावरफुल रिस्पांस आता है, और मुझे अपने बहनों से, अपने भाइयों से बहुत ही पावरफुल रिस्पांस आया, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। और हमें लगता है कि इस्लामाबाद वाज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट, बट पेशावर हैज़ टर्न आउट टू बी मोर सक्सेसफुल देन इस्लामाबाद एक्चुअली। ये बताएं कि यहाँ का जो क्राउड है वो आपको कैसा लगा, क्योंकि डिफरेंट सिटी है, यहाँ पर आप जो है आए हैं, और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा? क्योंकि इस्लामाबाद तो चलें ये कि हम वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, हम वहाँ रहते हैं, यहाँ डिफरेंट लोग हैं, नए चेहरे हैं, नए लोग हैं, यहाँ पे कैसा महसूस किया आपने? व्हाट वाज़ अ डिफरेंट देन इस्लामाबाद एंड पेशावर, मतलब रियल डिफरेंस? आई गेस जो मैंने सबसे नुमाया डिफरेंस देखा वो ये था कि द लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सी यहाँ के लोगों के अंदर मैंने देखा है कि एक ईगरनेस है टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड एंड टू ग्रो, राइट? हम इस्लामाबाद में बहुत सारी चीज़ें होते देखते हैं, लेकिन आई थिंक सो फॉर पेशावर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह के सेशंस हों, क्योंकि यहाँ पर लोगों को इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पर लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत है, और राइट गाइडलाइन की ज़रूरत है। और जब आप किसी को गाइडलाइन देते हैं तो लोग की टेंशन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ, और आई थिंक सो मुझे पेशावर से 100 on 100 आई वुड से कि जो कॉन्सेंट्रेशन और रिटेंशन मिली है, राइट, वो यहाँ का एक यूनिक पॉइंट रहा है मेरे लिए। और जहाँ तक रही लोगों की बात, तो उसको फूलों का शहर कहते हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, और हर कोई चाह रहा था कि मैं उसके पास आऊँ, उसके घर में दावत पर जाऊँ, अपनी पूरी टीम को ले जाऊँ। सो आई गेस दिस सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट यू वुड नॉट सी इन एनी अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान जितनी यहाँ पर हमें नज़र आई है। बहुत वार्म वेलकम किया गया यहाँ पर हमें क्राउड की जानिब से, और बहुत ही, वो कहते हैं ना, जिंदा दिलाने शहर लाहौर, तो अब ये कहा जाएगा कि जी जिंदा दिलाने पेशावर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने लोगों के तासुरात जाने, उन्हें ट्रेनिंग सेशन में बहुत अच्छा लगा, उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ट्रेनिंग सेशन लगा। उनका कहना था कि असद रफ़ी साहब ने जो टिप्स दी हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं, वो बिल्कुल मार्केटिंग टूल के, जो बिल्कुल आप कहा जाता है ना कि एक बिल्कुल टिपिकल चीज़ें होती हैं, वो स्टीरियोटाइप्स नहीं हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से उन्होंने बहुत रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ जो है वो उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें बताया अपने लाइफ गोल्स के बारे में। और लोगों का कहना था कि जो लोग अपनी रियल लाइफ के बारे में बात बता के उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं वो सिर्फ असद रफ़ी हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ अगली दफ़ा हम कहीं और मिलेंगे, और इसी तरह से जो है अच्छे अच्छे सेशंस जो हैं इंशाल्लाह जारी रहेंगे। तो इसी के साथ मैं सिद्रा सत्ती विजन स्पेशल से चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।